और दोस्तों वेलकम टू रिएक्स तक। तो यार हमारे स्मार्टफोन में दो टाइप के ऐप्स होती है, वन इज यूजर ऐप जिन्हें हम डिलीट कर सकते हैं और दूसरी होती है सिस्टम ऐप जिन्हें हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी ये सिस्टम ऐप्स अननेसेसरी स्पेस और प्रोसेसिंग यूज किया करते हैं। तो यार आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम ये सिस्टम ऐप्स या ब्लॉटवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बताते हैं कैसे होगा ये विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार चैनल पर नए हो तो उसे प्लीज सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना फॉर दिस काइंड ऑफ ऑसम अपडेट्स। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर पर। अब यहाँ पर टाइप करना है LADB। अब यहाँ पर आपको दो ऐप्स दिखेंगी, पहले हम चलते हैं सेकेंड ऐप पे। अब आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा कि इस ऐप को यूज किया गया है, पर ये ऐप का प्राइस है 260 रुपीज। अब इतना पैसा तो नहीं है अपन के पास। तो यार बैक करते हैं और चलते हैं LADB कनेक्ट और इसे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन आप यूज दोनों में से कोई भी ऐप कर सकते हो। और अब एक और ऐप है, दैट इज पैकेज व्यूअर 2.0। इस ऐप को भी इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम LADB ऐप को ओपन करेंगे। अब यहां पर आपको तीन ऑप्शन दिखाएगा, इन्हें आपको इनेबल करना है। फर्स्ट इज फ्लोटिंग विंडो, इनेबल पर टैप करता हूं। यहां से आपको ये ऐप ढूंढनी है एंड देन ऑन। सेकेंड वन इज USB डिबगिंग। अब इसे इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है अबाउट फोन में और यहाँ बिल्ड वर्जन पर 5 से 10 बार टैप करना है। अब यार मेरा फोन तो है रियलमी का, तो इसमें डेवलपर ऑप्शन ऐसे ही ऑन होता है। वैसे जहां तक सारे स्मार्टफोन में आपको यही प्रोसेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल MIUI में आपको MIUI वर्जन पर 5 से 10 बार टैप करना होगा। प्रोसेस इज ऑलवेज सेम फॉर एवरी डेवलपर ऑप्शन। अब हम चलेंगे एडिशनल सेटिंग पर, यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको इसमें नीचे जाना है और अलाउ स्क्रीन ओवरले, इस सेटिंग को इनेबल करना है। अगर आप डेवलपर ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप इस ऐप पर जाकर के इस इनेबल के बटन पर टैप करेंगे, तब भी आपको ये यही नेविगेट कर देगा। अब इस USB डिबगिंग के ऑप्शन को इनेबल कर देंगे, ओके। और इसके बाद हमें वायरलेस डिबगिंग के ऑप्शन को भी ऑन करना है, इसको भी ऑन कर देते हैं। अब हम वापस LADB ऐप पर चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि सारी परमिशन ऑन हुई है कि नहीं। अब हम टैप करेंगे कनेक्ट पर। अब ये छोटा सा एक फ्लोटिंग विंडो शो होगा जिसमें दो चीज फिल करनी है, पेयरिंग कोड एंड पोर्ट नंबर। अब इसे करने के लिए हमें फिर से वायरलेस डिबगिंग के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर हमें पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड ये शो होगा, इस पर टैप करना है और यहाँ पर जो भी पेयरिंग कोड दिया है इसे हमें यहाँ टाइप करना है। अब यार ये 5 डिजिट के पोर्ट नंबर के लिए ये जो IP एड्रेस और पोर्ट लिखा है इसमें जो आखिर में 38057 लिखा है इसे हमें टाइप करना है और पेयर पर टैप कर देंगे। अब यार ये थोड़ा टाइम ले सकता है कनेक्ट होते वक्त। अब मेरे से इसने ज्यादा टाइम नहीं लिया, बट MI के स्मार्टफोन में मैंने चेक किया था तो इसमें 2 से 3 मिनट लिए थे कनेक्ट होने में। कनेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसी स्क्रीन शो करेगा। अब इस ऐप को आपको हटाना नहीं है, बस पॉज करना है और दूसरी ऐप पर चलना है। अब इस कंपस ऐप को हटाने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं है, इसे ही हटाते हैं। तो अब चलेंगे हम पैकेज व्यूअर ऐप पर जो हमने पहले इंस्टॉल करवाई थी और यहाँ पर टाइप करेंगे कंपस या फिर जो भी ऐप का नाम है और ये आपको कंपस ऐप पर ले जाएगा और यहाँ से हम इस ऐप पर टैप करके कॉपी कर लेंगे और कहीं किसी नोट्स ऐप में इसके पैकेज नेम को पेस्ट कर देंगे। अब हमें इस पैकेज नेम में फालतू की चीजें डिलीट करनी है, तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप भी करना। हमको सिर्फ ऐप के मेन पैकेज के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसे कॉपी करेंगे और फिर से LADB ऐप पर जाएंगे और ये कमांड टाइप करना है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो ये कमांड, दैट इज PM अनइंस्टॉल --user0 और पैकेज नेम, और यहां पर हम पेस्ट करेंगे पैकेज का नेम जो भी हमने अभी कॉपी किया था। अब इस कमांड को रन कर देंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ सक्सेस लिखकर आ गया है और अब चेक कर लेते हैं कि कंपस ऐप है कि नहीं। तो अब ये सिस्टम ऐप हमारे स्मार्टफोन से जा चुकी है। और हाँ यार, कभी कभी ये डिलीट फेल्ड इंटरनल एरर ऐसा भी कुछ लिख करके आ सकता है, तो अगर ऐसा हो तो आपको फिर से अपने स्मार्टफोन को रिकनेक्ट करना पड़ेगा ADB से। तो यार ऐसे ही आप सिस्टम ऐप्स या ब्लॉटवेयर को अपने स्मार्टफोन से हटा सकते हो। तो अगर ये वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। और यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फाइनली थैंक्स वॉचिंग गाइस, यू आर द बेस्ट, थैंक यू।